बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर ट्यूब में। और आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम के टेम्पररी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हैं और कई दिनों से आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर के सिस्टम और टेम्पररी फाइल को डिलीट नहीं की है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस में आर का बटन प्रेस करना होगा। और जैसे ही आप विंडो प्लस में आर के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये रन ओपन हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रन में मैंने टाइप किया है PREFETCH, तो यही आपको टाइप करना होगा। और जैसे ही ये टाइप करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेम्पररी फाइल ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर विंडो, और विंडो के अंदर वही जो मैंने आपको बताया है PREFETCH। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे लैपटॉप में यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की टेम्पररी फाइल शो हो रही है, और जिनका नाम भी डिफरेंट टाइप्स का है और डेट भी, ये किस डेट की टेम्पररी फाइल है ये शो हो रहा है। और टाइप यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि पहला टाइप डाटाबेस फाइल है, PF फाइल है और MKD फाइल है, और इन सभी फाइलों का साइज भी शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये टेम्पररी फाइल जो है हमारे सिस्टम को धीरे धीरे स्लो कर देता है, इसलिए टाइम टू टाइम इन टेम्पररी फाइल को डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इन टेम्पररी फाइल को डिलीट नहीं करते हैं तो आपके सिस्टम की भी स्पीड स्लो हो सकती है। तो इसको डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस में ए प्रेस करना होगा, और कंट्रोल प्लस ए जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये सारी टेम्पररी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। और सेलेक्ट होने के बाद आपको डिलीट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सारी टेम्पररी फाइल डिलीट हो जाएगी। और डिलीट होने के बाद जो है आपको अपने सिस्टम की फाइल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे सिस्टम की भी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तो यदि आप ही अपने सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और कई दिनों से आपने अपने टेम्पररी फाइल को डिलीट नहीं किया है, तो आप भी इस तरीके से अपने सिस्टम की टेम्पररी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ विंडो प्लस में आर का बटन प्रेस करके, देखता हूँ कि अब मेरे सिस्टम में टेम्पररी फाइल कितनी है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने डिलीट किया है और ये टेम्पररी फाइल फिर से आ गई है। तो आप भी यदि अपने सिस्टम में ज़्यादा काम करते हैं और कई दिनों से आपने अपने सिस्टम की टेम्पररी फाइल को डिलीट नहीं किया है तो इसे डिलीट कर लीजिए, इससे आपके सिस्टम की स्पीड प्रॉपरली बनी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है तो आप भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।